फ्लैश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। शांति मोहल्ला गली नंबर 17 की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के शांति मोहल्ला की गली नंबर 17 की है, जहां पर सोमवार की तड़के सुबह भीषण आग लग गई। इसमें काफी दुकानें भी जली हैं, जिनमें लाखों का सामान जल गया है। वहीं कृष्णानगर थाना और फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को सोमवार की सुबह 4:34 पर कॉल प्राप्त हुई थी आग लगने की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी मौके पर पहुंची थी, मगर पतली गली होने के कारण टाइम से गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ। वहीं दुकानदारों से हमने बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने आग खुद बुझाई और कहा कि एक गाड़ी काफी लेट आई थी और दूसरी गाड़ी उससे भी काफी लेट आई थी। कहा कि 15 गाड़ी तो आई मगर टाइम से नहीं आई, जिससे कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं हम बता दें कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल सोमवार की दोपहर 1 बजे पा लिया गया था। सुने आप बाइट दुकानदारों की। ये हमें सुबह 4:30 के करीब पता लगा कि ये बिल्डिंग में आग लगी है, और उसके बाद ही हम यहाँ आए तो देखा तो बिल्डिंग बहुत धुएँदार लपटे उड़ रही थी बिल्डिंग में। बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो समय से नहीं पहुँच पाई, इसलिए आग ज़्यादा लगी। उनके पास एक ही हमारे पास उन पर बहाना था कि आपकी गलियाँ बहुत छोटी हैं, हम आ नहीं पा रहे, जबकि उनकी गाड़ियाँ तैयार नहीं थी, ना ही हम बाहर तक हम गए मेन रोड तक। वो कह रहे हैं जाम है, सुबह कौन सा जाम होता हमें भी नहीं पता, बट उनके लिए सुबह सुबह भी अर्ली मॉर्निंग भी वो कह रहे हैं हमारी गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं। तो ये इनकी सिली बातें थी। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम का कहना कि हमने 15 गाड़ियाँ भेजी थी, उनकी 15 गाड़ियाँ, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ हालात पूरे हो गए, उसके बाद 15 गाड़ी भेजने का फ़ायदा क्या, जब मौके पे एक ही गाड़ी थी, वो एक गाड़ी ना पूरा काम कर पा रही थी, ना उन पे प्रॉपर टूल्स थे, और आधा आधा घंटा गैप बहुत डला। तो उसके इस बिल्डिंग में कितनी दुकानें होंगी कम से? लगभग 6 दुकानें हैं इनके ग्राउंड में हैं, और अपर लेवल पे इनके गोडाउन थे सबके, और सब सरप्लस शॉप्स हैं। हिसाब लगाना बहुत आसान नहीं है इसका, कई लाखों में इसका नुकसान हुआ है। आग का तो अभी पता नहीं किस कारण से लगी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ आग पूरे जोर से लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची, एक ही बहाना गलियाँ छोटी हैं, गाड़ी आ नहीं सकती। एक गाड़ी आई, उसने काबू किया, दूसरी गाड़ी नहीं आई, 45 मिनट तक दूसरी गाड़ी नहीं आई। एक शटर था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, जिसको तोड़ा जाता तो ऊपर का सारा फ्लोर, दोनों फ्लोर बच जाते, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी में कोई कटर नहीं, कोई हथौड़ी नहीं, कोई पेचकस नहीं, कोई प्लास नहीं। एक तार काटने के लिए भी हमें कहीं से रात को आदमी उठा कर लाना पड़ा, तो हमने एक तार कटवाई, उनके पास कोई इंतजाम नहीं था। दूसरा, प्रशासन की लापरवाही, कमर्शियल एरिया है, प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, यहाँ पानी नज़दीक से मिल जाए, गाड़ी आधे घंटे में भर के आ रही है, एक गाड़ी आ सकती है, एक ही छोटी गाड़ी से उनके पास एक ही आ सकती है, वह 15 मिनट में पहुँचती है, 15 मिनट में पानी भरा जाता है, 15 मिनट में आती है, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी 45 मिनट में आ रही थी, इसी वजह से आग ज़्यादा बढ़ गई। कितनी देर तक आग लगी रही इसमें? ये लगभग 1 बजे तक वो काम करते रहे, दोपहर के 1 बजे तक, हाँ, फायर ब्रिगेड वाले काम करते रहे हैं।